दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2014 में रिलीज हुई मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिंदगी में पहली बार कोई मूवी देखकर मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। ये मूवी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हेजल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हेजल को थायराइड कैंसर है और ये कैंसर उसके लंग्स तक फैल गया है। इस वजह से हेजल को 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। हेजल जब एक दिन अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, तभी उसे डॉक्टर कैंसर पेशेंट्स का एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है। हेजल की मदर को भी लगता है कि हेजल कैंसर की वजह से डिप्रेस्ड हो चुकी है, इसलिए वो भी उसे ग्रुप ज्वाइन करने का सुझाव देती है। अगले दिन हेजल इस ग्रुप को ज्वाइन करती है, जहां पर उसके अलावा बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं। ये सभी पेशेंट्स अलग अलग कैंसर से लड़ रहे हैं। हालांकि हेजल को पहले दिन इस ग्रुप में कोई मजा नहीं आता, लेकिन अपनी मॉम के कहने पर वो अगले दिन भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आती है। और अब की बार उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ऑगस्टस है, और सभी उसे गस बुलाते हैं। गस भी एक कैंसर पेशेंट है। उसे बोन कैंसर है और इस वजह से उसकी एक टांग काट दी गई है। अभी तक हेजल की लाइफ बहुत ही नॉर्मली चल रही थी, लेकिन अब गस के आने की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली थी। हेजल और गस एक दूसरे से बात करते हैं। हेजल और गस एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। हेजल की मॉम उसे इस सपोर्ट ग्रुप से पिकअप करने के लिए आती है, लेकिन गस कहता है कि मैं हेजल को घर पे छोड़ दूंगा। और घर जाते हुए हेजल गस को अपनी स्टोरी बताती है कि वो बचपन से ही इस कैंसर से लड़ रही है। गस हेजल को अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की हॉबीज के बारे में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की फेवरेट बुक्स को पढ़ेंगे। हेजल गस को बताती है कि उसकी फेवरेट बुक का नाम द इम्पीरियल एफ्लिक्शन है, और ये बुक एक छोटी कैंसर पीड़ित लड़की जिसका नाम एना है उसकी लाइफ पर आधारित है। एना और हेजल की लाइफ बहुत मैच होती है, इसलिए हेजल को एना की स्टोरी पसंद है। इस बुक की एंडिंग सही न होने के कारण उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और इन सवालों के जवाब हेजल किसी भी हाल में जानना चाहती है। इस बुक के ऑथर का नाम पीटर वैन हॉटन है, लेकिन इस बुक को पब्लिश करते ही वो एम्स्टर्डम चला गया था, और तब से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है और ना ही उसने कोई दूसरी बुक लिखी है। बदले में गस भी हेजल को प्रिंस ऑफ डॉन नाम की एक बुक देता है, और हेजल इस बुक को अगले दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन हेजल फिर से गस से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वैसे तो गस एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन जिस तरह से वो बात करता है, जैसी वो हरकतें करता है, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे कैंसर है। वो अपनी लाइफ को खुलकर जीता है, और ऐसे ही जीना वो हेजल को भी धीरे धीरे सिखा रहा था। कुछ हफ्ते बाद गस एक दिन हेजल को बताता है कि उसने पीटर वैन हाउटन से ईमेल पे बात की है। पीटर वैन हाउटन हेजल के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो पर्सनली उन सवालों का जवाब देना चाहता है, यानी इसके लिए हेजल को उससे मिलने के लिए एम्स्टर्डम जाना पड़ेगा। ये खबर सुनकर हेजल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। गस पीटर वैन हाउटन की ईमेल हेजल को दे देता है, और हेजल अपने सवाल उससे ईमेल में पूछती है, और इसके बाद वो और गस मिलकर पीटर वैन हाउटन के रिप्लाई का इंतजार करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हेजल को पीटर वैन हाउटन का रिप्लाई मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं इस तरह राइटिंग में आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप कभी एम्स्टर्डम आते हैं तो मैं आपसे मिलकर आपको जवाब देना चाहूंगा। एम्स्टर्डम जाने के लिए हेजल अपनी मॉम से बात करती है, लेकिन उसकी मॉम बताती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हेजल को एम्स्टर्डम भेज सके। इसके बाद हेजल फिर से गस से मिलने जाती है, जहां पर गस उसे बताता है कि उसने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात की है। ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीमार बच्चों की विशेष पूरी करता है, और वो हमें एम्स्टर्डम की टिकट्स देने के लिए तैयार है, यानी अब हम एम्स्टर्डम जाएंगे और पीटर वैन हाउटन से उन सवालों का जवाब मांगेंगे। ये सुनकर हेजल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो गस को गले लगा लेती है। अब एम्स्टर्डम जाने के लिए हेजल को डॉक्टर्स की परमिशन बहुत जरूरी थी, इसीलिए वो डॉक्टर्स से मिलती है। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और उसे एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए वो एक कंडीशन रखते हैं कि हेजल की मदर को हेजल के साथ जाना होगा। और कुछ दिनों बाद हेजल, उसकी मदर और गस एम्स्टर्डम के लिए निकल जाते हैं।
उन्हें ले जाने के लिए गस एक लिमोजीन लाता है। यहाँ पर गस उनसे एक बहुत अच्छी बात कहता है कि जीना है तो खुल के जियो, वरना जियो ही मत। और ये बात मुझे बहुत पसंद आई। अब ये तीनों एम्स्टर्डम पहुँच जाते हैं। हेजल ने कभी नहीं सोचा था कि वो एम्स्टर्डम में गस के साथ इतना एंजॉय करेगी। गस उसे सच में जीना सिखाता है। गस से मिलने के बाद अब हेजल अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी थी। उसके पास जितने भी दिन बचे थे वो इन दिनों का हर एक सेकंड खुलकर जीने लगी थी। हेजल और गस एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। ये डिनर पीटर वैन हाउटन की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। डिनर के बाद गस और हेजल वैन हाउटन से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं, जहां उन्हें उसकी असिस्टेंट लेडवाई मिलती है। लेडवाई उन्हें वहां पर वेलकम करती है और उन्हें वैन हाउटन के पास ले जाती है। हेजल और गस वैन हाउटन से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनका एक्साइटमेंट कुछ ही देर में खत्म हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वैन हाउटन एक अल्कोहलिक है और वो एक बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान है। उन्हें साथ में ये भी पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर पीटर वैन हाउटन ने नहीं बुलाया है, बल्कि उसकी असिस्टेंट लेडवाई ने बुलाया है। वैन हाउटन को गस और हेजल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैन हाउटन हेजल को टॉन्ट करता है कि तुम एक फिक्शनल स्टोरी के कुछ आंसर्स जानने के लिए इंडियानापोलिस से एम्स्टर्डम तक आ गई, और साथ ही वो उसकी मेडिकल कंडीशन का भी मजाक उड़ाता है। इससे हेजल और गस दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनकी इवनिंग खराब हो जाती है, लेकिन बाहर आकर लेडवाई उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मेरी वजह से तुम लोगों का दिन खराब हुआ है और इसके लिए मैं कंपेंसेट करना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को साइट सीइंग के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। वो उन दोनों को एन फ्रैंक के घर पे ले जाती है। वर्ल्ड वॉर के दौरान एन फ्रैंक इस घर के अंदर 2 साल तक छुपी रही थी। ये जगह एम्स्टर्डम में बहुत मशहूर है। यहाँ पर पहली बार हेजल और गस एक दूसरे को किस करते हैं, और वहाँ से वापस आने के बाद हेजल और गस होटल में एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। गस ने अभी तक किसी के साथ संभोग नहीं किया था और हेजल उसकी ये इच्छा पूरी करती है। संभोग के बाद हेजल गस के सामने एक्सेप्ट करती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, और संभोग के बाद ही गस हेजल को बताता है कि अभी तक वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसका कैंसर वापस आ गया है और वो उसकी पूरी बॉडी में फैल गया है। अब उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। ये सुनकर हेजल और गस दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अगले दिन हेजल, गस और हेजल की मदर वापस इंडियानापोलिस आ जाते हैं। अब धीरे धीरे गस की हालत और भी खराब होने लगती है। अब वो सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान था, और ये बात जानकर हेजल बहुत दुखी होती है। गस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हॉस्पिटल से आने के बाद वो व्हीलचेयर पर बैठ जाता है, लेकिन अभी भी हेजल उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ती। वो गस को पिकनिक पर ले जाती है। वो दोनों अभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक दिन गस हेजल को कॉल करके एक चर्च में बुलाता है। ये मीटिंग दरअसल गस का प्री फ्यूनरल होती है, और इसमें गस का एक और फ्रेंड आया था जिसका नाम आइजैक है। आइजैक को आई कैंसर है। यहाँ पर गस हेजल और आइजैक को यूलॉजीज पढ़ने की ट्रेनिंग देता है। यूलॉजी दरअसल एक ऐसी स्पीच को कहते हैं जो किसी के फ्यूनरल पर पढ़ी जाती है, और यूलॉजी में उस मरने वाले इंसान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। यूलॉजी पढ़ते पढ़ते हेजल गस के सामने ही इमोशनल हो जाती है। अब 8 दिन गुजर जाते हैं, और 8 दिन बाद हेजल को पता चलता है कि गस की डेथ हो गई है। यहाँ पर हेजल बहुत जोर से रोती है, और यहाँ पर सच में मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए थे। अब हेजल गस के फ्यूनरल में आती है, और वहाँ पर वो अपनी यूलॉजी पढ़ती है, जिसमें वो कहती है कि गस बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे जीना सिखाया। मैं कैंसर की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती थी, लेकिन गस ने मुझे सिखाया कि इन हालात में रहने के बावजूद भी किस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय किया जाता है। गस के फ्यूनरल में पीटर वैन हाउटन भी आया था, और वो हेजल से बात करने के लिए आता है। वैन हाउटन हेजल को बताता है कि गस ने ही उसे उसके फ्यूनरल में आने के लिए कहा था, और एना जिसके बारे में उसने वो बुक लिखी थी वो दरअसल उसकी बेटी थी, जो छोटी एज में ही ल्यूकेमिया की वजह से मर गई थी। वो हेजल को एक लेटर भी देता है, जिसे हेजल अपनी गाड़ी में ही फेंक देती है। हेजल वैन हाउटन पर गुस्सा करती है और उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन हेजल जब घर आती है तो उसके पास गस का फ्रेंड आइजैक आता है, जो हेजल को बताता है कि उस लेटर में दरअसल गस ने हेजल के लिए यूलॉजी लिखी थी, और उसे ठीक करने के लिए गस ने उसे वैन हाउटन के पास भेजा था। ये सुनकर हेजल चौंक जाती है, और वो जल्दी से अपनी गाड़ी में से वो लेटर निकालकर पढ़ने लगती है। इस यूलॉजी में गस ने लिखा था कि वो हेजल से बहुत प्यार करता है,
उनकी किस्मत में यही लिखा था। और जो चीजें इंसान की किस्मत में लिखी होती हैं, वो चीजें इंसान को मिलकर ही रहती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों सच में इस मूवी ने मेरे दिल को छू लिया। ये मूवी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि ये मूवी हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि इंसान की जिंदगी चाहे कितनी ही छोटी हो, लेकिन उसे हमेशा अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। उसके पास कितने ही पल क्यों ना बचे हों, लेकिन उन पलों को उसे खुले दिल से जीना चाहिए। इसका उदाहरण ये है कि गस को पता था कि वो कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन फिर भी उसने हेजल को जीना सिखाया और खुद भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया। उसने हेजल को कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कुछ दिनों का मेहमान है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी को खुलकर जिएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियोस को रोज एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।